अल रिजवान जूनियर कॉलेज और ग्रुप ऑफ स्कूल्स की मैनेजमेंट की ओर से यहाँ पर अल रिजवान टेक्नो एंड मल्टी स्किल एग्जीबिशन का यहाँ पर आज शुरुआत हुई है। मैं स्कूल के डायरेक्टर्स अब्दुल रशीद जी और अब्दुल रहीम भाई, इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनको बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद देता हूँ कि नांदेड़ शहर में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन वो चला रहे हैं। मैंने तो सिर्फ नाम सुना था, पर आज आने का मौका मुझे मिला है और 7-8 साल के ही इतने कम वक्त में बहुत मेहनत से इस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने खड़ा किया है, तैयार किया है। खैर, सिर्फ बिल्डिंग देखकर अच्छा इंस्टीट्यूशन मैं नहीं कहूँगा, पर एग्ज़िबिशन देखने के बाद में और बच्चों को, खास करके लड़कियाँ यहाँ पर जो तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चे भी हैं लड़कियाँ भी हैं, सभी स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि बहुत कॉन्फिडेंस उनमें है, बहुत स्किल है और पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत यहाँ की टीचर्स करती है। मैनेजमेंट का बहुत सहयोग है और हमारे डीपी सावंत जो यहाँ के विधायक है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। मुझे खुशी है कि इस इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़कर अपना नाम कमाएंगे और नांदेड़ का नाम, महाराष्ट्र का नाम रोशन करेंगे, इसके बारे में मुझे शक नहीं है। तो मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इससे भी बड़ी कैंपस में इनकी स्कूल और कॉलेज चले। हमारी ओर से पूरी शुभकामनाएं और पूरा सहयोग। मैं यहाँ का सांसद होने के नाते और हमारे अब्दुल रशीद भाई हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो मैं हम सब की ओर से, यहाँ पर खड़े हुए हमारे सभी साथियों की ओर से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। अल रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से इस साल भी अल रिजवान टेक्नो मल्टी स्किल एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें आज माननीय अशोक राव जी चौहान साहब जो है यहां पर आज उनके हाथ से जो है इसका उद्घाटन हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है साहब ने बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को हिम्मत अफजाई की, साहब ने बहुत ज़्यादा जो है इंस्टीट्यूशन की तारीफ़ की, ये हमारे लिए खुशी की बात है, मुस्लिम समाज के लिए खुशी की बात है। और साहब ने कहा कि भाई जो भी आगे चल के जो भी ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह वो पूरी मदद करेंगे स्कूल की, और उनकी नए ख्वाहिशात हमारे साथ दिए, ये हमारे लिए जो है आज बहुत बड़ा ऑनर है। एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन के लिए जो साहब के जो वर्ड्स है ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और उसी के साथ साथ मैं तमाम लोगों का, तमाम जो है बहुत सारे आज जो है नांदेड़ के बहुत सारे VIPs लोग यहाँ पर आए थे, डीपी सावंत साहब थे, उसके बाद जो है सत्तार साहब थे, मसूद साहब थे, बहुत सारे लोग हैं जो पूरे कॉर्पोरेटर्स थे मुस्लिम के, तो मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज अपने पूरे कीमती टाइम को जो है आज संडे का दिन होने के बावजूद भी पूरे मसरूफियात को तर्क करते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर माइनॉरिटी के बच्चों को करेज देने के लिए, माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस को जो है एक हिम्मत अफजाई देने के लिए वो लोग यहाँ पर आए, मैं उनका दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और पूरी मैनेजमेंट और टीचर्स और स्कूल के पेरेंट्स की तरफ से फिर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। माइनॉरिटीज के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उस तालीम को वो यहाँ पर शो किए हैं, उन्होंने बताया कि वो जो एजुकेशन ले रहे हैं वो किस अंदाज़ में उनका एजुकेशन है, और साइंसी लेवल पर वो आगे चल के जो है देश को नए नए टेक्नोलॉजी ला कर इस
देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वो उद्देश्य के तहत जो है हमने इस एग्जीबिशन को शो किया था, ताकि मुस्लिम समाज के माइनॉरिटीज़ के बच्चे भी जो है तालीमी मैदान में पीछे नहीं है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, मैथमेटिकली लेवल पे जो उनकी जो सोच है और उस सोच को वो लोग अपने यहाँ पर जो है साहब के सामने उन्होंने पेश किए और साहब ने उसको बहुत ज़्यादा जो है उसको ऑनर भी दिया। अल रिजवान इंग्लिश स्कूल जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स में तकरीबन 15 से 20 बच्चे जो है NRIs पढ़ते हैं हमारे पास, और यहाँ पर सभी समाज के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और लास्ट टाइम पे जो है ख़ास तौर से आदर्श साड़वे और निकिता साड़वे ने जो है टॉप करके बताया था कि भाई सभी समाज के बच्चे यहाँ पर अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस एग्ज़िबिशन का मकसद ये था कि हमारे बच्चों के अंदर साइंसी रुझान, तख्लीकी रुझान को फ़रोग दें, और साथ ही साथ हमने इस एग्ज़िबिशन में तमाम स्कूली मज़ामीन को भी शामिल किया, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और मराठी के प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया था, जिसमें बच्चों ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। और हर सब्जेक्ट हमारे जो है तालीमी तरक्की के लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि साइंस। ये चीज़ बच्चों ने अपने वर्किंग मॉडल्स के ज़रिए और डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स के ज़रिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश किया। और इस एग्ज़िबिशन में नांदेड़ के तकरीबन तालीमी शोबे के और तकरीबन पॉलिटिकल लेवल के और समाजी लोगों के लोगों ने विज़िट की, और उन्होंने हमारे बच्चों की तालीमी, तख्लीकी और बेहतरीन क्रिएटिव स्किल्स की बेइंतहा सताइश की। और बच्चों के अंदर जो इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज का डेवलपमेंट उनको नज़र आया, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ रही। और साथ ही साथ इस एग्ज़िबिशन में हमने फ़ोटो गैलरीज़ के ज़रिए अलग अलग सब्जेक्ट के फ़ोटो गैलरीज़ रिप्रेजेंट किए, जिसमें एक फ़ोटो गैलरी बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र है, जिसमें हमने इस्लाम का साइंटिफिक एंड स्कॉलेस्टिक जोन हमने पेश किया। और उसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि इस्लाम ये मज़हब पीस की तालीम देता है, और इस्लामी तालीमात ये सभी के लिए खैर और बेहतरीन चीज़ है। और हिजाब के भी एक कंसेप्ट को हमने क्लियर किया कि हिजाब ये ख़वातीन के लिए बहुत ही रिस्पेक्टिव चीज़ है, और ये मैसेज देने की इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमने इस एग्ज़िबिशन में माँ बाप के और तमाम तर मुशाहिदीन के तासुरात हासिल किए, और तकरीबन हमारे अंदाजे के हिसाब से 5 से 6 हज़ार लोगों ने इसकी विज़िट की, और सभी ने बेहतरीन रिमार्क्स के ज़रिए हमारे तुलबा व तालिबात की हिम्मत अफज़ाई की। तो इस तरह मैं तमाम ऑडियंस की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर अपना कीमती वक्त देकर हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई की। अल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से हमारे इदारे को तरक्की से नवाजे। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त सैयद खलीला हुसैनी साहब ने मुझे मदु किया। मैं समझ रहा था बस जैसी आम तौर पर नुमाइश होती वैसी देखने को मिलेगी, लेकिन माशाल्लाह बहुत उम्दा मॉडल्स, बहुत एक्सीलेंट चार्ट्स यहाँ बनाए गए और बहुत मीनिंगफुल चार्ट्स बनाए गए, जो किसी ख़याल को ठोस शक्ल में पेश करते हैं। और फिर सारे मज़ामीन में कोशिश की गई, साइंस में, ज्योग्राफिया में, हिस्ट्री में, उर्दू, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में, और इस्लामियात में, ईमानियात के सिलसिले में भी। तो वो जो कहते हैं कि एजुकेशन एक ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, तो ये तजुर्बा हुआ कि यहाँ पर उस लाइन से काम हो रहा है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये एग्ज़िबिशन उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं टीचर्स को, हेडमास्टर्स को और इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तलबा से इतना उम्दा काम करवाया और एक अच्छा नमूना समाज के सामने पेश किया।